इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीनाक्षी सुंदरम यूआईडीडीबी विनोद सुमन कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। दीपेंद्र कुमार सचिव सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मीनाक्षी सुंदरम यूआईआईडीबी प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगी। वहीं विनोद सुमन कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले हैं। वहीं दीपेंद्र कुमार सचिव सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। उत्तराखंड में 6 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। आपको बता दें, मीनाक्षी सुंदरम यूआईडीडीबी प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगी, उनको यह चार्ज मिला है। वहीं विनोद सुमन कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। दीपेंद्र कुमार सचिव सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले हैं। देहरादून का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि यह वही नियुक्ति पत्र है जहां पर 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, साथ ही उनके विभागों को भी बदला गया है। विनोद सुमन को कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव का प्रभार दिया गया है। 6 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। दीपेंद्र कुमार सचिव सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मीनाक्षी सुंदरम यूआईडीडीबी प्रबंध निदेशक का प्रभार संभालेंगी। वहीं विनोद सुमन कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीनाक्षी सुंदरम को यूआईआईडीबी प्रबंध निदेशक का चार्ज मिला है। विनोद सुमन कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। ये वही 6 आईएएस अफसर है जिनके तबादले हुए हैं, फेर बदल किया गया है इनके प्रभारों में।